हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर मैं रूल थ्री अपना डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं दो रूल्स आपको डिस्कस कर चुका हूँ और उससे पहले आपको सीएफ में डिस्कस कर चुका हूँ, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए पूरा प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं रूल एक और जो नेक्स्ट रूल है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीछे के सारे वीडियोस देख के आ जाइए ताकि आपको ये ना लगे कि कैसे चीजें आ गई। अगर आप पीछे से देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये भी समझ आ जाएगा और आगे भी आपको, क्योंकि पूरा ये जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कुछ वीडियोस और बचे हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग पीआई। मेरे को है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट से मुझे दी गई है जिसमें मुझे एफ जो है डी डी डैश जेड, और यहां पर सामने कुछ है। अगर यहां पर इक्वल टू जीरो रहता था तो मेरे को सिर्फ सी एफ निकालना होता था, पी आई नहीं निकालना होता था। बट यहां पर कुछ एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई का, तो इसलिए मेरे को पी आई निकालना पड़ेगा। रूल थ्री मेरा ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये फंक्शन एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन है, मतलब एक्स और वाई का एक जनरल फंक्शन है। ये कुछ ऐसे हो सकता है, लेट से माइनस वाई क्यूब, इस तरह से हो सकता है। तो मतलब एक्स और वाई की ही टर्म्स में है, तो तब मुझे क्या करना है ये मेरे को ये रूल बताएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके आती है तो योर पी आई, तो आपको टू फाइंड द पी आई वी एक्सप्रेस असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई पावर में, बेसिकली पीआई में करूंगा क्या कि वन बाय ये पूरा रख लूंगा, बट इसको जो है मैं कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करूंगा, मतलब इसमें कोई ना कोई एक्सपेंशन लगाऊंगा ताकि इसको मैं असेंडिंग पावर्स ऑफ डी डी डैश में लिख सकूं, और यहां पर ये एज इट इज रहेगा। फिर क्या है, बेसिक जो मैथ्स है मेरी वो मेरा रिजल्ट दे देगी, जो कि आपको एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रूल बस इतना ही है, करना आपको बस इतना ही है कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है। अब वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो अलग अलग क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, बट बेसिक ही रहता है, एक ही तरह से क्वेश्चन चलता है। सो क्वेश्चन मेरा है डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा जो सॉल्यूशन z है विल बी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रॉपर, तो मैं बस यहां पर डिस्कस करूंगा कि सी एफ होगा कैसे। तो सी एफ निकालने के लिए मैं चीज जो एनालाइज करूंगा वो सिर्फ ये है। इसको देखूं तो ये होमोजीनियस तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉन होमोजीनियस है और नॉन रिड्यूसिबल है, ना इसका कोई फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला भी नहीं है इस तरह का, तो सीधा इरेड्यूसिबल वाला केस लगाऊंगा। तो जो मेरा सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा ये, इधर लेके आ सकता हूं बी आई इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर। अब इसको यहां पर बी आई को रिप्लेस भी कर सकता हूं, ये मेरा सी एफ हो गया। तो ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप प्लीज पीछे वीडियो देख लीजिएगा, और जिसको आता था तो आई होप उन्होंने स्किप करके वो सीधे पीआई पे ही पहुंच गए होंगे, क्योंकि अब मैं पीआई कराऊंगा, ये आपका सीएफ था। सो पीआई देखते हैं, मैंने इसको यहां पर लिख लिया है और ये मेरे जो फंक्शन है वो मैंने यहां पर लिख लिया है। अब मुझे इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ
डी एंड डी डैश, मतलब डी बाय बाय डी डैश या कैसे भी मुझे अरेंज करना है। सो नेगेटिव वन बाय डी डैश इफ आई टेक कॉमन, यहां पर ये चीज मैंने बाहर निकाल ली, तो वन ये मेरा बच जाएगा। ये क्यों किया अभी मैं आपको समझा देता हूं इसको। आप कोशिश यही करना कि जो छोटी टर्म है ना उसको मैं बाहर निकाल लूं और जो बड़ी टर्म है उसको मैं अंदर रहने दूं। अब क्योंकि इसको एनालाइज करूंगा और वन माइनस समथिंग वन प्लस समथिंग कुछ उसी तरीके से रहे मेरा, क्योंकि यहां पर मैं एक्सपेंशन लगा सकता हूं सीधी। दिस इज नथिंग बट वन बाय डी डैश एंड दिस इज वन माइनस डी स्क्वायर बाय डी डैश। अब इसको देखूंगा तो यहां पर मैं बड़े इजीली एक्सपेंशन लगा सकता हूं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लाया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको मैं एक्सपेंशन लगा सकता हूं वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर, उस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूं बड़े इजीली। तो यही चीज मैं यहां पर लगा के देखता हूं, तो यहां पर वन प्लस डी स्क्वायर बाय डी डैश डी टू द पावर फोर एंड सो ऑन टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर साथ रहा। अब इसको एक बार और देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये चीज अंदर लेके जाऊंगा, ये अभी बाहर रखते हैं, और इस चीज में ये चीज को मैं, मतलब जो ये है टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां फर्स्ट, क्योंकि यहां पर वन है तो टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये स्क्वायर है ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। तो ये पूरा मैं कुछ इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, डी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वन से मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया, यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको मैं देखूं, सॉरी दिस इज डी डैश ना, हर जगह डी डैश ही रहेगा ठीक है। ये जो चीज है ये तो एज इट इज रहेगी, टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। बट अब यहां पर देखूं तो यहां डी स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। पहले ये देखता हूं, बाद में इसको देख लूंगा। विद रेस्पेक्ट टू अगर एक्स में करने गया तो एक बार आ गया टू एक्स, एक और बार मैं करने गया तो खाली टू रह जाएगा। सिर्फ इसको एनालाइज कीजिए आप। अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर नेगेटिव टू रह जाएगा, डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई अगर कर दिया, और यहां पर वन बाय डी डैश अभी नीचे बचा हुआ है। लेट्स नॉट टच दिस। अब अगले में देखते हैं, जो भी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जा रहा है, और अगर मैं फिर और इसको अगर करूं एक बार और डिफ्रेंशिएट तो ये जीरो हो जाएगा। तो सारे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप हायर ऑर्डर ऊपर रखिएगा, इसलिए आप लोअर ऑर्डर को बाहर लीजिएगा कॉमन। नाउ आई जस्ट हैव टू डू दिस कि इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज ये डी डैश है। नेगेटिव टू वाई। अब अगेन इसको एक बार और इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि यहां पर डी डैश है। इसको हटाने के लिए, मतलब बेसिकली आपको ये चीज तो मैंने शुरू से ही पढ़ाता आ रहा हूं
कि 1 बाय टी डैश इज इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। अगर 1 बाय डी हो तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे में। तो यहां पर ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट आप देख लीजिए क्या आने वाला है। देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, यहां पर नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव यहां पर है, तो एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस मुझे, तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ये मेरा पी आई है, सो माई पी आई इज दिस। सी एफ मैंने निकाला था, पी आई मैंने निकाल दिया, दोनों का ऐड करके अपना दिखा सकता हूं कि ये मेरा सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स यही रूल का एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, किसी को अगर कुछ डाउट रह गया हो कि कैसे करना है और देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट उसी में मैं आपको रूल फोर भी कराऊंगा, बिकॉज रूल फोर इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ मियर एक्सटेंशन ऑफ दिस रूल। एक छोटा सा केस होता है कि अगर ये आ जाए तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल उसके आने बिल्कुल 0% चांस है, बट कभी कहीं आ गया, किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग इट कि मैं आपको ये सिखा दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन रहेगा उसके बाद उसका आपको जस्ट रूल फोर में डिस्कस कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।